नहीं, हर बार मैं उस टिंगू के हाथों हार जाता हूँ, मजाक बन गया है कराटे। लेकिन इस बार मैं यहीं बैठकर रिमोट से सब कुछ करूँगा। इधर रिमोट दबाया और उधर धमाका। तुम जरा भी हिले तो कूबा के लिए अच्छा नहीं होगा। माइटी राजू, आज तुम्हारा खेल खत्म। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। आज मेरा बदला पूरा होगा। ये क्या कराटी? आज कराटी तुम सबको एक सरप्राइज देने वाला है। कुछ दिन पहले पृथ्वी पर एक एलियन आया था। हमारे सैटेलाइट्स इसकी वजह से खराब हुए थे। दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो दोस्त हूँ। हमारे
हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के बाद भी ये एलियन अपने आप को दोस्त कहता है और तुम सबका फेवरेट हीरो माइटी राजू इस एलियन की मदद कर रहा है। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। माइटी राजू ने हमारे दुश्मन एलियन को अपना दोस्त बनाया, मतलब माइटी राजू भी हमारा दुश्मन है। माइटी राजू ऐसा कैसे कर सकता है? हमने सोचा वो हमारे नगर का हीरो है। दुश्मन एलियन और माइटी राजू? दुश्मन एलियन और माइटी राजू हाथ मिलाएंगे तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। से सारी इंफॉर्मेशन ले लेता हूं। कुबा मुश्किल में है। उसने हमारे लिए सिग्नल छोड़ा है। सिग्नल से पता चल रहा है कि कुबा वहां गया है। और इसीलिए आज मैं माइटी राजू का खेल खत्म करने वाला हूँ, पर वो करने से पहले आप सबको उसकी असलियत दिखाऊंगा। असलियत रोटी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ए, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? पृथ्वी पर बिताए कुछ दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी कुबा। बताता हूँ मैं स्किपिंग करते हुए कितनी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। चिकी रस्सी को और ऊपर घुमाओ। ओके मूवी, बहुत अच्छी मूवी। मूवी Thank you.
आज हमारा स्कूल हमें केव ट्रिप पे ले जा रहा है। वाह क्या बात है। ये क्या है डैड? ये मेरा नया गैजेट है बेटा, मेमोरी गैजेट। इससे किसी की भी 10 मिनट की मेमोरी मिटा सकते हैं। वाओ डैड, मैं इसे स्कूल ले जाऊं? हाँ प्लीज। हाँ हाँ ले जाओ, अब लेकिन संभाल के। हाँ बेटा। थैंक्स डैड। अरे वाह राजू, तुम तो तैयार हो गए। अब लो बेटा दूध पी लो। मॉम प्लीज, मुझे दूध नहीं पीना। नहीं पीना तो पड़ेगा ही। लो पी लो। राजू। सॉरी मॉम। राजू बेटा ऐसा करना गलत है, दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा राजू। सॉरी डैड, पर ये गैजेट कमाल का है। बाय बाय मॉम, बाय बाय डैड। बाय राजू बेटा। बाय, हैव अ नाइस डे। ये देखो मैंने कल ये सीनरी ड्रॉ की, कैसी लगी? बहुत सुंदर है जूली। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। स्कूल सभी बच्चों को ट्रिप पर हाथी घर ले जाएगा। हाथी घर में सर्कस से छुड़ाए हुए हाथियों का खास ध्यान रखा जाता है। हम वह हाथियों को करीब से देखेंगे, उन्हें नहलाएंगे, खाना खिलाएंगे। वाव, मुझे हाथी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तेनु पता है हाथी धरती दा सबसे बड़ा जानवर होता है? और पता है हाथी एक दिन में कितना पानी पी जाता है? कितना? ओए बहुत सारा। बड़े हाथी तो 150 लीटर तक पानी पी सकते हैं। मैं उसे इस तालाब में ढकेल दूंगा। राजू संभल के, चार्ली तुम्हें तालाब में गिरा देगा। थैंक यू गुड्डू, तुमने मुझे तालाब में गिरने से बचाया। गुड्डू देख मैं तुम्हारे लिए गुड़ लाया हूँ। गुड्डू, ये गुड्डू कहाँ चला गया? अभी तो यही था। गुड्डू ने मेरी मदद की थी, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। माइटी राजू को आना होगा। दोस्तों मैं बस अभी आया। इतना महंगा भी तो नहीं। गुड्डू बदमाश कहीं के, तू यहाँ है और मैं कब से तेनु ढूंढ रहा, चल वापस। चलो गुड्डू चलो वापस चले। गुड्डू बहुत होशियार है। गुड्डू तो गड्ढे में गिर गया। ओ मेरा गुड्डू। एक्टिवेट रोबो क्लॉ। गुड्डू बाहर आ रहा है। Ha ha ha!
गुड्डू यहाँ वापस आकर बहुत खुश है। तो बच्चों कैसा लगा तुम सबको ये स्पेशल पिकनिक? देखा, गुनगुने पानी में कुछ देर रखने से स्टैम कितनी आसानी से निकल आता है। जी सर। यस, एक्टिंग की पहली क्लास। सर, हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। हैं? एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना, और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना, ऐसे ही, और फिर जब तब कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ फूट। वाह गोपी, तुम्हारे पास तो पोस्टमैन से भी ज्यादा चिट्ठियां हैं। कल हॉबी क्लास की लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट जो दिखाना है। पर इतनी चिट्ठियां, इतने स्टैम्प्स तुमने कैसे जमा किए गोपी? पूरी कॉलोनी में घर घर जाकर घंटी बजाई। ये देखो इस लिफाफे पर मंगोलिया का स्टैम्प, और ये 1935 का जर्मनी का। गिरा दूंगा। मुझे नहीं, क्लाउन को मारना है चार्ली। तुम सामने आओगे तो यही होगा। अब हटो।
अब सुनो, जैसे ही मैं बॉल फेंकने जाऊंगा, तुम किसी तरह सबका ध्यान बटा देना ताकि मैं झट से पास जाकर जोकर को आसानी से गिरा सकूं। मुझे लगता है ये कोई शरारत करने वाला है। चलो मूवी। वो क्या था? कुछ भी होने दो, जाओ। अब देखना मेरा निशाना कितना खतरनाक है। अच्छा, तो वो उस रबर के सांप से सबका ध्यान बटाना चाहता है ताकि चाली धोखे से जीत सके। अभी चखाता हूँ मजा। टिकटॉक, मैं ट्रैक को ऑन करो। तुमने कुछ किया है क्यों राजू? पर मैं तो यहाँ कितनी दूर खड़ा हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? वरना आज थोड़ा बिजी हूँ, कल समझा देना, ठीक है? बाय बाय। क्या कौन? आज आप इतने खोए खोए से क्यों हैं? वो कुछ नहीं, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री? हाँ राजू, कुछ ही देर में डिस्क मेरा और मैं हो जाऊंगा दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर। राजू तुम रात को घर में अकेले रहोगे, मुझे प्रोजेक्ट वर्क है। मॉम, मोबी और चीकी है ना, आप लोग जाकर आ जाइए। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। ये तो डॉक्टर बोस का रिसर्च डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में डैड बात करने उनके घर गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके पास जाना होगा। चलो चलते हैं। तुम आजाद हो। तुम जानते हो मेरे मॉम और डैड कहाँ हैं? तो चलो। तो ये हैं डॉक्टर बोस एंड मिसेस बोस। चुपचाप दे दो वो डिस्क, दे दो वरना। खन्ना अंकल, आप यहाँ शहर से बाहर इस बड़े से पत्थर के पास आइए। ठीक है माई डियर राजू। कौन है? टिकटॉक, वेल्डिंग गन ऑन। पांच मिनट नहीं रुक सकते थे? उसके नए खिलौने थोड़े अजीब से हैं। जूली, हाँ? चाली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। वाह, दावत? हमें नहीं जाना उसके साथ, है ना राजू? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। निकलते वक्त मुझे फोन कर देना, ठीक है? अब तुम क्या चीज हो?
मेरी जासूसी कर रहा था। ये तो बंगलो कम खंडर ज्यादा लग रहा है। मामा जी मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू, एकदम सही वक्त पर आए हो। मार्टी राजू फिर से जीत रहा है। खेल खत्म। सारा मामला बिगड़ गया, सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। पर उनकी मम्मियाँ तुम्हें एक बड़ा थैंक यू कहेंगी। वो क्यों? सब्जियों को बच्चों का मन पसंद बनाने के लिए। बॉल पकड़ो। बहुत अच्छी मोबी। चार्ली हमारी बॉल वापस करो। ये लो सोना। सुनो, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ सकते, अब जाओ और जाकर उनसे बॉल लेकर आओ। जूनी पकड़ो। ये लो। बंदरों की तरह क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता भी है सॉफ्ट बॉल से कैसे खेला जाता है? हम जानते हैं इसे कैसे खेलते हैं चार्ली। अरे सोनू मोनू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है चार्ली तुम्हें ही पता नहीं सॉफ्ट बॉल से कैसे खेलना है। ये बेबी कॉट यहाँ कैसे आया और क्या हमें इसमें नींद आ गई थी? क्या हुआ राजू, इतना प्यार बरसा रहे हो? तुम ठीक तो हो?